हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल टेक्नो राजस्थान। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक और शानदार गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। तो दोस्तों, इस बार जो आपकी वैकेंसी निकल रखी है इंडियन आर्मी के अंदर, ये वैकेंसी है जैसा कि मैंने आप सभी को थंबनेल के अंदर बता रखा है, आर्मी में अधिकारियों की वैकेंसी है, ऑफिसर्स की ये पोस्ट है। एंड इसके अंदर जो आपकी सैलरी है 1 लाख रुपये से भी ज़्यादा होने वाली है, 2 लाख तक भी आपकी सैलरी इसमें जा सकती है। एंड जो आपकी पोस्ट का नाम है, जिसमें आपके मेजर हो गया, कैप्टन हो गया, लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर, तो इस प्रकार की ये पोस्ट है। एंड इसमें जो आपकी एज लिमिट है, न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु इसमें 40 वर्ष होनी चाहिए। तो बहुत ही शानदार और अच्छी पोस्ट है, अच्छी वैकेंसी है आप सभी के लिए। तो दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताएगा कि आप में से कौन कौन इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरने वाला है और आपको ये वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे लगी। तो एक बार मैं आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ सैलरी बता देता हूं किस पोस्ट के लिए कितनी क्या सैलरी है। तो जो ये लेफ्टिनेंट वाली सैलरी है, तो इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी 56,100 से लेकर 1,77,500 तक। एंड उसके बाद जो कैप्टन वाली पोस्ट है, उसके अंदर आपकी 61,300 से 1,93,900। तो दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं। और 18 से 40 साल वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। मेजर के लिए 69,400 से 2,07,200। एंड जो लेफ्टिनेंट कॉलोनल वाली ये पोस्ट है, इसमें 1,21,000 से 2,12,400। एंड जो कॉलोनल वाली पोस्ट है एक और, तो इसमें 1,30,600 से 2,15,900 रुपए तक है। एंड जो ब्रिगेडियर वाली पोस्ट है, इसमें 1,39,600 से 2,17,600 रुपए आपकी रहने वाली है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर भी आपको इसके डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो वैकेंसी निकल रखी है इंडियन आर्मी के अंदर। तो आप सभी ये देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है इंडियन आर्मी की तरफ से। ठीक है, तो इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन फॉर्म आपको इसका भरना है। तो अपन डिटेल्स के साथ देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो इसके अंदर जो ये पोस्ट है आर्मी के अंदर ऑफिसर्स वाली, तो इसमें जो इंडियन सिटीज़न है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 से 42 ईयर्स वाले, ठीक है, 18 से 42 साल वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसके अंदर, जिसके भी पास ग्रेजुएशन हो है, जिनके भी पास ग्रेजुएट है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक दोस्तों, ग्रेजुएशन वाले इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके ऑनलाइन फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं और इसका जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है 28 जुलाई 2019 को। ठीक है, 28 जुलाई को इसका एग्ज़ाम है। एंड जो इसके फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं आपके 26 मई से, ठीक है, 26 मई से 25 जून तक इसके ऑनलाइन फॉर्म्स अभी चालू है, तो आप सभी भर सकते हैं। एंड एग्जामिनेशन सेंटर आप देख सकते हैं, जो राजस्थान वाले हैं उनके लिए जयपुर है, एंड बाकी जो अदर स्टेट वाले हैं उनके सेंटर भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। और इसकी नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा। एंड जो आपका सिलेबस है एंड जो स्टैंडर्ड है एग्ज़ाम पैटर्न है, तो आपका जो पार्ट फर्स्ट है रीजनिंग का होगा, पार्ट सेकंड में मैथमेटिक्स होगी, एंड जो पार्ट जो सेकंड रहेगा उसके अंदर जनरल नॉलेज और इंग्लिश का रहेगा। 2-2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, टोटल 4 घंटे का आपका टाइम मिलेगा। एंड जो 200 नंबर के 200 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। और इसका सिलेबस भी आप सभी यहाँ पर देख लीजिए, रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथ्स एंड जो यूनिटरी मेथड, तो ये इसका सिलेबस इसमें बता रखा है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप सभी के सामने। ठीक है, तो ये सिलेबस आप सभी देख लीजिएगा, और जो भी ग्रेजुएशन है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, अच्छी पोस्ट है। ठीक है, एंड जो न्यूनतम आयु इसमें 18 वर्ष है, अधिकतम आयु 42 साल वाले इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, ऑफलाइन एग्ज़ाम रहेगा ओमार शीट के ऊपर। ठीक है, आप देख सकते हैं टाइप ऑफ एग्ज़ाम, ऑब्जेक्टिव टाइप ओमार शीट विल बी यूज्ड। तो ऑफलाइन आपका रहेगा, 40% आपके क्वालिफाई मार्क्स होने चाहिए, एंड जो एवरेज मार्क्स आपके 50 आने चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। इसकी जो फीस रहने वाली है आपकी 200 रुपये इसकी फ़ीस है। ठीक है, फॉर्म की फ़ीस 200 रुपये रखी गई है। सभी कैटेगरीज़ के लिए SC ST OBC जनरल सभी के 200 रुपये फ़ीस इसमें। 26 मई से स्टार्ट हो चुका है, 25 जून इसकी लास्ट डेट आप सभी के लिए। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, और ये पे स्केल आप सभी देख लीजिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंड जो एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं। तो और जो ये नोटिफिकेशन है,
इसकी ऑफिशियल लिंक भी आपको हमारी वेबसाइट www.technoRajasthan.com पर मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी को मैंने बताया था और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं www.technoRajasthan.com पर। तो इसके अंदर वेबसाइट के ऊपर जाना है और उसके अंदर जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जॉब्स वाला ऑप्शन है, इसके अंदर जो इंडियन आर्मी टेरिटोरियल आर्मी ऑनलाइन फॉर्म 2019, तो इस वाले लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहीं से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अप्लाई लिंक वहाँ पर मिल जाएगी एंड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको इसी हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। ठीक दोस्तों, तो ये आप सभी देख लीजिएगा और आपको ये जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आएगा एंड पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा। और आप भी इस तरीके के ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये फॉर्म ज़रूर भरिएगा। थैंक यू सो मच एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। और आप हमसे फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।